हमारा प्रारंभ से ही उनके प्रति एक मेरा आदर का भाव है और आप जानते हैं जब हम लोग चुनाव यहाँ लड़ रहे थे बिहार में तो याद करिए ना भाई 2005 2010 सब में यही ना रहते थे और जब घूम घाम करके आते थे तो रात में हम लोग एक साथ बैठते थे तो उनके साथ बहुत ही हमारा इतना पुराना और सब इस तरह का संबंध है तो इसलिए जब उनका निधन देखिए बहुत कम समय में उनका निधन हुआ ये बहुत दुख की बात है। उनकी तबीयत खराब हो गई हम लोगों को बड़ा तकलीफ था अब वो उनका निधन हो गया तो ये दुख की बात है। ऐसे लोगों को तो रहना चाहिए था इतना मेहनत और इतना काम करते थे तो ये बड़ी दुखद बात थी। उनका निधन हो गया उसके बाद हम लोगों के मन में ये बात आया कि हम लोग उनके लिए भी एक हमेशा करेंगे उनके जन्मदिवस के अवसर पर राजकीय समारोह होगा तो वही होता है और हम लोगों ने 19 में ही इसको स्थापित कर दिया आपको तो पता ही है और तब से अब हो रहा है सब कुछ हो रहा है तो उनके प्रति तो हमारा सदैव रहेगा जब तक हम जीवित हैं तब तक उनका हम तो निश्चित रूप से हमको सब चीज़ उनके प्रति रहेगा तो इसी दृष्टिकोण से ये कर ही रहे और सब लोगों की सहमति मिली है और देख रहे हैं कि सब लोग भी आ रहे हैं बहुत अच्छी बात है बहुत अच्छा है। छोड़िए उस पर चर्चा की यात्रा घूमेंगे तो हम सोच रहे हैं कि 5 जनवरी से शुरू करेंगे सर तो शुरू करेंगे हमने बता दिया है तो उसी के बारे में आज कल में उसकी पूरी तैयारी और सभी जिलों से बात करके ही लोग फाइनलाइज कर देंगे उसका एक एक प्रोग्राम तो क्या क्या करना है हर जगह देखने भी जाएंगे कुछ खास चीज़ भी जहाँ काम हुआ है उसको भी देखेंगे कहीं कोई कठिनाई है वो भी देखेंगे समाज के हर तबके के लोगों से भी बात करेंगे देखेंगे सब कई तरह से हमने सुझाव दे दिया अब उसकी तैयारी कर रहे हैं तो आ जाएगा वो पूरा फाइनल हो जाएगा आज कल में तो नमामि गंगे की बैठक में आप नहीं जा रहे हैं उसको लेकर सवाल उठ रहे हैं है? या प्रधानमंत्री के साथ जो बैठक होने वाली है उसको आप स्किप कर रहे हैं बीजेपी कह रही है कि आप लोगों को पता नहीं है आप पिछली बैठक में कौन गए थे पिछली बैठक में हम लोगों के समय के कौन थे अब वही सवाल खड़े कर रहे हैं सर और डिपार्टमेंट जो था उनके पास ही था तो उनको तो भेजे थे हम लोग उन्हीं को सुशील मोदी जी ही गए थे इस बार भी डिप्टी सीएम यही है डिपार्टमेंट इन्हीं के पास है इसलिए हमने इनसे आग्रह किया कि आप भी चले जाइए आप जरा बोलिए अब कोई कोई तरह तरह का बात छापते रहता है भूल जाता है आप पिछला मीटिंग जो किए थे वो यूपी में तो वो उस समय कौन गए थे कानपुर वही करे तो वहाँ पर कौन गए थे और बाकी जो दिल्ली में मीटिंग हुई है उसमें तो हम बात किए ही है अलग अलग तो लेकिन अलग अलग कर रहे थे लोग जाएंगे और पूरा डिटेल बातचीत करके बताएंगे और हम लोगों की जो इच्छाएं हैं शुरू से कि गंगा नदी के विस्तार के लिए और गंगा नदी के क्या होना चाहिए तो ये तो हम लोग बहुत पहले से न कर रहे हैं जी 17 में यहाँ मीटिंग किए दिल्ली में मीटिंग किए सब तरह से केंद्र सरकार को हम लोगों ने दिया है तो अब जाएंगे ही तो सारी बात कहेंगे वहाँ पर तो जो भी है यहाँ पर कितना और अच्छे ढंग से होना चाहिए ये सब बात किया जाएगा सर कोरोना कोरोना का सर देखिए कोरोना का जो खतरा के बारे में आ रहा है और देखिए हम लोगों का तो जीरो हो गया था अब फिर बढ़ गया है बाहर से जो आ रहे हैं तो इसलिए सब जगह जांच का पूरा इंतजाम वैसे तो हम लोग शुरू से कर रहे थे जांच आप देख रहे थे 40,000-50,000 हमेशा करते रहते थे तो उसको और ज़्यादा बढ़ा करके इसको कंटिन्यू किए हुए हैं कि हम लोगों के यहाँ तो ठीक ही था लेकिन अलर्ट रहना है और लोगों को अगर किसी को तकलीफ होगी तो उनके ट्रीटमेंट के लिए भी सब तरह का इंतजाम बात कर सर कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर कोविशील्ड वैक्सीनेशन सर खत्म हो गया है नहीं सर वैक्सीनेशन तो हम लोग कर ही रहे हैं आप देख रहे हैं ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन 4,000-5,000 जितना भी 3,000 हर दिन हम लोग कर रहे हैं तो वो तो हम लोग करते ही रहेंगे अब तो केंद्र सरकार को भी लग गया है कि भाई ये आ रहा है तो फिर उनके लिए तो वैक्सीनेशन के लिए तो उनका तो अब इंतजाम करना चाहिए तो हमारे पास जो भी है उसके आधार पर तो हम कर ही रहे सीबीआई एक बार फिर से केस ओपन की है सीबीआई ने एक बार फिर से केस ओपन किया है लालू जी पे और सोच लीजिए ना आप लोग यही अब समझ लीजिए कि क्या हो रहा है अब हम लोग फिर साथ आ गए इसलिए हो रहा है